पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर नैनपुर से है, जहां नैनपुर क्षेत्र को साधने की रणनीति में रिचार्ज हुए भाजपा के कार्यकर्ता, घर घर पहुंचने लगे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ लोकसभा चुनाव का अंतिम प्रचार प्रसार चरम पर है। मंडला लोकसभा सीट में परंपरागत रूप से जीत दर्ज करने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नैनपुर पिंडरे के सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रिचार्ज कर घर घर दस्तक देने का दौर भाजपा ने शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते पूरी तत्परता से सघन जनसंपर्क में लगे हुए हैं। नैनपुर क्षेत्र में विशेष फोकस कर सभी मतदाताओं से संपर्क साधने मिलने में लगे हुए हैं। पिंडरई के सभी 21 वार्डों को दो केंद्र में समाहित कर महिला कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निरंतर बैठकें कर उन्हें मोहल्ले और वार्ड स्तर पर भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। भाजपा को लेकर आम लोगों में उत्साह है, जिनसे भारत की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के समग्र समुचित विकास के लिए आगे बढ़कर मतदान करने का निवेदन किया जा रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की संपर्क रैली का आयोजन मंडला शहर में किया गया, जहां पर मोदी के समर्थक और भाजपा के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन के नारे बुलंद हुए। जन समर्थन की इस रैली में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस की आजीवन सदस्य 11 महिला कार्यकर्ताओं ने रैली के बीच में ही भाजपा की सदस्यता कुलस्ते से ग्रहण की। महिलाओं ने बताया कि हम मोदी जी के राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर ही भाजपा की सदस्यता लिए हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। वे ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश को सशक्त मजबूत बना सकते हैं। जिन महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ली है उनमें हैं निधि तिवारी, संध्या पांडे, जुलेखा, मीना नामदेव, मनीषा ठाकुर, रोहिणी स्वरूप, तोड़ना सिंगौर, हिमा सिंगौर, निशा कान, खिलौना राव, कुसुम राव हैं जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। नाते उनको वेलकम करती हूँ कि हमारी सभी बहनें भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण की। आज जिस तरह से कांग्रेस की हमारी इतनी वरिष्ठ बहनें और वो बहनें आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक बहनें, सब लोग उनको बहुत वेलकम और स्वागत करते हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, आज नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के विचार सिद्धांत से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको नमन करती हूँ और हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के एक एक घर में जाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए हमारी बहनें वोट मांगेंगे। निश्चित ही यहाँ से लोकसभा में प्रत्याशी आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते यहाँ से विजय सीरीज हासिल करेंगे और देश में जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोटिंग करेंगे और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के मामलों को संभालेंगे और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाएंगे, इतना पूर्ण विश्वास। डिंडोरी जिले के शैपुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कारी गडहरी के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम कारी गडहरी के ग्रामीणों ने मध्यम सिंचाई परियोजना बिलगड़ा बांध की नहर सर्वे के आधार पर नहीं बनाए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण जनों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। गांव में सिंचाई और जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने गांव में बैठकर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है और ग्रामीणों ने एक फरमान जारी किया है, अगर कोई गांव का व्यक्ति मतदान करता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ग्रामीण जन पूरे गांव में रैली निकालकर नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए रैली निकालकर अपना विरोध जताया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिलगड़ा बांध, ये वही बिलगड़ा बांध है जिससे शहपुरा के दर्जनों गांव में जाकर जो पानी पहुंचेगा उस पानी से फसलें लहलहाएंगी और शहपुरा क्षेत्र का एक चहुमुखी विकास होगा। इसी मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग लामबंद हो चुके हैं। कैमरामैन लियाकत अली खान के साथ रघुनंदन चक्रवर्ती, पुलिस वाला डिंडोरी। इस वक्त हम कारी गढ़ेरी गांव में हैं और ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए हम कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो वोट बहिष्कार का ऐलान क्यों किए हैं। भाई साहब आप बताइए, आखिर वोट बहिष्कार का आपका निर्णय क्यों है? जी सर, बेलगांव जलाशय से सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निकली है जिसमें हमारी कारी गढ़ेरी के लिए आया जरूर है, लेकिन डूंडीसरई से सीधे चाटी के लिए चला गया है, सीधा सीधा रोड के किनारे किनारे, और जो पहले से सर्वे हुआ था हमारे बस्ती के किनारे किनारे, वहां से अभी कैनाल चालू नहीं किया गया, जबकि हम ठेकेदारों के द्वारा
दो तीन मरतबे तक जा करके उनसे विनय किया गया है, लेकिन उन्होंने बहला दिया कि हम बाद में छोटा सा यानी कहना चाहिए कैनाल छोड़ देंगे उधर से जिसमें आपका सिंचाई होगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सिंचाई का व्यवस्था यहाँ नहीं बन पाया है, इसीलिए हम ये चुनाव का बहिष्कार करते हैं जिसमें से करीबन 200 एकड़ जमीन अभी असिंचित में पड़ा हुआ है, और अगर इसमें पानी आ जाए तो सभी जो 200 एकड़ जो भूमि है सिंचित है वो सिंचित में आ जाएंगे। सरपंच जी आप बताइए आपकी समस्या क्या है आखिर आपकी पंचायत? यही कि हमारे गांव के लोगों को सिंचाई बिलगड़ा बांध से सिंचाई का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये है कि जो नहर हमारे गांव के किनारे से बनना था वही नहर उस जगह पर बनी है, हमारे ग्राम के 1.5 किलोमीटर दूरी पर बनी हुई है, जिससे हमारे ग्राम की कृषि भूमि सिंचाई से बंद। डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत कारोपानी चरखुटिया के ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के कारोपानी गांव काले हिरण के मशहूर है, दूर दूर से सैलानी काले हिरण देखने को पहुंचते हैं, लेकिन हम इसे विडंबना ही कहेंगे कि पर्यटन के लिए मशहूर कारो पानी और उसका पोशाक ग्राम चरखुटिया आज़ादी के 70 साल बाद भी महज एक अदद सड़क के लिए तरस रहा है। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। नाम प्रताप दास पारस। आप कहाँ से हैं? मैं कारोपानी चरखुटिया से हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? हमारे यहाँ ये समस्या है कि आज हमें 70 सालों से जब से आज़ाद हुआ है देश तब से हम देख रहे हैं, पंचायत में भी हमने कई बार लिख के दिया, सरपंचों को भी बोला और जनपद सदस्यों को भी बोला और जिला पंचायत में भी जाके बोले, लेकिन आज तक हमारे रोड के प्रति में कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया और ना रोड नहीं बनाए हैं, ना रोड नहीं बना है। इसके लिए हम आवेदन भी किए हैं, कलेक्टर के पास भी किए, सभी जगह की। और खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।